हेलो दोस्तों, मैं पवन मलिक, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेटर नोएडा के टॉप सेक्टर के बारे में। आज हम बात करेंगे अल्फा वन सेक्टर के बारे में, जो मोस्टली डेवलप्ड है और नियर आपको परिचौक यानी कि टॉप लोकेशन पे देखने के लिए मिलेगा अल्फा वन। तो अल्फा वन के बारे में हम बात करेंगे, क्या क्या साइज के वहां पे प्लॉट है, क्या वहां पे आज के टाइम पे रेट है, किस तरह के वहां पे रोड आपको देखने के लिए मिलेंगी और कनेक्टिविटी जो है आने जाने की, अगर आप नोएडा या दिल्ली साइड जाना चाहते हैं तो किस तरह की कनेक्टिविटी देखने के लिए मिलेगी, सभी बातों पर डिटेल से बात करेंगे और वहां का आपको वीडियो भी दिखाएंगे कि किस तरीके से डेवलप है, किस तरीके से वहां पे मकान बने हुए, किस तरीके से वहां पे पॉपुलेशन रह रही है, सारा कुछ आपको वीडियो में भी आगे देखने के लिए मिलेगा। तो चलते हैं, पहले हम देखते हैं, ये है ग्रेटर नोएडा का मास्टर प्लान जिसमें हम देखेंगे कि अगर हम दिल्ली या नोएडा साइड से आते हैं तो हम कैसे अल्फा वन सेक्टर पहुंच सकते हैं। आप देखेंगे ये है, ये आप देख रहे हैं, ये नोएडा एक्सप्रेसवे है जो दिल्ली साइड से आता है। आप इस पे देखेंगे तो आप यहां पे चलेंगे तो यहां आ जाएंगे परीचौक। परीचौक आने के बाद अगर आप जब परीचौक आते हैं नोएडा दिल्ली साइड से, तो आप अगर लेफ्ट साइड में चलते हैं तो लेफ्ट साइड में चलते ही नेक्स्ट जो गोल चक्कर आएगा ये आपको अल्फा वन सेक्टर देखने के लिए मिलेगा। ये वाला जो सेक्टर है ये आपको अल्फा वन सेक्टर जो है वो देखने के लिए मिलेगा, यानी कि बिल्कुल परीचौक जो है उसके पास ही में आपको अल्फा वन सेक्टर फर्स्ट सेक्टर ही है। अगर आप लेफ्ट साइड में चलते हैं सूरजपुर की साइड आप चलेंगे तो फर्स्ट सेक्टर ही आपको अल्फा वन सेक्टर देखने के लिए मिलेगा। तो अभी आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस किस साइज के प्लॉट है, किस तरीके से उस पर आगे देखते हैं। तो ये है अल्फा वन सेक्टर का मास्टर प्लान जो आप अलग अलग कलर देख रहे हैं, सभी आपको अलग अलग साइज के प्लॉट यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। तो पहले हम एक बार साइज की बात कर लेते हैं कि क्या क्या साइज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। साइज अगर हम देखते हैं इसमें तो आप यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से आपको साइज जो है प्लॉट के वो यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। आपको यहाँ पे सबसे छोटा साइज जो ग्रेटर नोएडा में है वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, यानी कि आपको यहाँ पे 60 मीटर के भी प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे 100 मीटर के प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे, उसके बाद 150 मीटर के प्लॉट, इसके बाद 200 मीटर, इसके बाद 276 मीटर और सबसे बड़ा साइज यानी कि 350 मीटर के भी प्लॉट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। इनके डायमेंशन की भी हम बात करेंगे। पहले हम चलते हैं बैक स्लाइड पे और वहां देखते हैं कि किस तरीके से ये प्लॉट जो है कहाँ कहाँ पे है, जो अल्फा वन का मास्टर प्लान है उसमें एक बार देख लेते हैं। तो आप देखेंगे इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो अलग अलग कलर जो आपको देखने के लिए मिल रहे हैं उनके हिसाब से आप ये प्लॉट जो है वो देख सकते हैं। अब सबसे पहले रोड की बात कर लेते हैं। ये जो रोड आप देख रहे हैं ये कॉमर्शियल यहाँ पे प्लॉट है, उनके साथ साथ आप देखेंगे तो ये आपको 105 मीटर का रोड जो है वो देखने के लिए मिलेगा। अगर आप परीचौक से जब आएंगे तो यहाँ पे आप गोल चक्कर देखेंगे, गोल चक्कर से इधर चलेंगे तो ये 105 मीटर का रोड है जिसके साथ आप बहुत बड़ा एक पूरे सेक्टर के साथ साथ कॉमर्शियल प्लॉट जो है वो देखेंगे। ये आपको कॉमर्शियल प्लॉट देखने के लिए मिलेगा जो आज के टाइम पे फुल्ली यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे ऑफिस आपको देखने के लिए मिलेंगे, ये बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग में आपको देखने के लिए मिलेगा। और जो रोड के साइज आप चारों तरफ के देखेंगे ये आपको 60 मीटर का रोड देखने के लिए मिलेगा। इधर बात करें तो इधर आपको अल्फा टू सेक्टर देखने के लिए मिलेगा, इधर की साइड आप देखेंगे तो आपको बीटा वन सेक्टर देखने के लिए मिलेगा, ये भी आपको 60 मीटर का रोड देखने के लिए मिलेगा। और इसकी बात करें तो एक ये भी आपको 60 मीटर का रोड देखने के लिए मिलेगा। इस तरीके से आपको 60 मीटर और 105 मीटर के रोड जो है वो इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसमें अलग अगर हम बात करते हैं साइज के प्लॉटों की साइज की, तो आप देखेंगे जो सबसे बड़ा साइज है वो आप देख सकते हैं, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। 350 मीटर के जो प्लॉट है वो आपको ये यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे इस तरीके से। अगर हम दूसरा बात करें तो ये जो आप प्लॉट देख रहे हैं ये आपको 276 मीटर के प्लॉट जो है ये यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। 276 मीटर ये आपको 350 मीटर के इस तरीके से प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे। इस तरीके से आपको काफी प्लॉट जो है वो दोनों ही साइज के बड़े जो साइज हैं उनके आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बड़े साइज की, तो बड़ा साइज जो है एक और इसमें आता है 200 मीटर, 200 मीटर के ये जो प्लॉट है ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। और इधर यहाँ पे आपको 200 मीटर के प्लॉट जो है
वो भी देखने के लिए मिलेंगे। ये आपको यहाँ पे भी 200 मीटर के प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे आपको ग्रुप हाउसिंग के भी कुछ जो है ये 60 मीटर रोड के साथ ग्रुप हाउसिंग भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी इसमें। और हम अगर बात करें तो ये जो साइज आप देख रहे हैं, ये जो साइज आप देख रहे हैं ये आपको 60 मीटर के प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे इस तरीके से। अगर हम बात करें एक और साइज, तो ये आप बात करेंगे कि 150 और 100 मीटर के जो साइज हो गए, ये आपको 150 मीटर के प्लॉट जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। ये प्लॉट जो हो गए, ये आपको 150 मीटर के प्लॉट जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। 150 मीटर के प्लॉट यहां पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इस तरीके से साइज जो है प्लॉट वो आपको यहां पे देखने के लिए मिलेंगे। इनके डायमेंशन की बात करें कि किस तरीके से इनकी डायमेंशन होगी, तो डायमेंशन हम देखेंगे। अगर सबसे छोटे प्लॉट के साइज की बात करते हैं, तो जैसे 60 मीटर है सबसे छोटा साइज, तो उसकी डायमेंशन जो होगी वो आपकी फ्रंट जो होगा वो 6 मीटर का फ्रंट होगा। उसके बाद अगर गहराई की बात करें तो गहराई जो होगी वो 10 मीटर की होगी। अगर यहाँ पे हम 100 मीटर की बात करते हैं, तो आप 7.2 यानी कि 7.2 मीटर का इसका फ्रंट हो गया और 14 मीटर की इसकी गहराई हो गई। अगर 150 मीटर के प्लॉट की हम बात करते हैं, तो आपका 8.3 मीटर के आस जो है आसपास आपको फ्रंट देखने के लिए मिलेगा और आपको 18 मीटर की आपको गहराई जो है वो देखने के लिए मिलेगी। 200 मीटर की बात करते हैं, तो 10 मीटर का फ्रंट हो गया और 20 मीटर की गहराई हो गई। 276 की बात करते हैं, तो आपका 12 मीटर का फ्रंट हो गया और 23 मीटर की इसकी गहराई हो गई। अगर हम यहीं पे बात करते हैं सबसे बड़े साइज की 350 मीटर की, तो 14 मीटर का आपको फ्रंट देखने के लिए मिलेगा और 25 मीटर की गहराई देखने के लिए मिलेगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं, सभी प्राइस वगैरह पे आगे बात करेंगे, तो आप इस तरीके से देखेंगे। ये आप देख लें, पहले इसके बारे में भी हम बात करते हैं कि सर्कल रेट क्या होगा, आपका ट्रांसफर फीस क्या होगी, ये पहले इस पर भी बात करेंगे। बाकी हम पहले यहाँ पे थोड़ा सा एक बार वीडियो जो है वो देख लेते हैं कि किस तरीके से डेवलप्ड है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अभी हम चलते हैं। ये अभी आप देखेंगे तो हम अल्फा वन सेक्टर जो है इस पे आ गए हैं। अभी हम ये गेट से एंट्री करेंगे, ये अल्फा वन सेक्टर का गेट नंबर 2 है जिससे हम एंट्री करेंगे। तो हम अंदर चलते हैं। यहाँ पे रोड के जो साइज होंगे वो आपको 18 मीटर सबसे बड़ा साइज होगा, जो मेन ये रोड है जो आप देख रहे हैं, ये 18 मीटर का रोड है। 18 मीटर का रोड आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पे आपको 12 मीटर का, कुछ जगह पे आप यहाँ पे 9 मीटर का भी रोड देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे मोस्टली जो है वो 18 मीटर मेन रोड है और जो अंदर की साइड रोड जो होंगे वो यहाँ पे आपके 12 मीटर होंगे। यहाँ पे मोस्टली लोगों के घर बने हुए, यहाँ पे आपको 90% घर बने हुए दिखेंगे, कुछ ही यहाँ पे आपको कंप्लीशन देखने के लिए मिलेंगे 10% के आसपास। आप देख सकते हैं ये बढ़िया सभी प्लॉट जो है वो अच्छे से डेवलप्ड हैं, सभी ने मकान यहाँ पे बने हुए हैं। कुछ कंप्लीशन जैसे ये यहाँ पे आप कंप्लीशन एक देखेंगे, इस तरीके से कुछ कंप्लीशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। नहीं तो ये सेक्टर जो है इसमें पूरी तरीके से बसावट है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं। बहुत बड़ा कॉमर्शियल एरिया भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा और अंदर भी यहाँ पे आपको मार्केट जो है वो देखने के लिए मिलेगी। डेली यूज के अगर आप कुछ भी खरीदते हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ पे आपको मार्केट देखने के लिए मिलेगी। बाकी आप देख सकते हैं सभी मकान यहाँ पे डेवलप्ड हैं। तो कुछ आप ये जो डेवलपमेंट है वो आप देखें कि किस तरीके से है। यहाँ पे अगर हम रेट की बात करें कि किस तरीके से रेट है इस सेक्टर में, तो जैसे कि सबसे छोटा साइज जो है 60 मीटर का, और ये सेक्टर बिल्कुल परीचौक के पास होने के कारण इसमें रेट जो है वो आपको काफी हाई जो है वो देखने के लिए मिलेंगे सभी साइजों में। अगर 60 मीटर की हम बात करते हैं, तो 1,25,000 से लेके 1,30,35,40,000 रुपए तक आपको यहाँ पे 60 मीटर के रेट जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। जो मैंने कॉमर्शियल आपको बताया है, कॉमर्शियल मार्केट आपको अंदर भी देखने के लिए मिलेगी, बाहर भी बहुत बड़ा एक कॉमर्शियल एरिया है यहाँ पे जो पूरा 105 मीटर के रोड के साथ साथ है। तो इस तरीके से तो 60 मीटर का रेट इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। बात करें 100 मीटर के रेट की, तो 1,20,000 से लेके 1,30,000 के आसपास आपको 100 मीटर के रेट जो है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे प्लॉट के। बात करें 150 मीटर की, तो 150 मीटर के रेट भी आप यहाँ पे 1,00,000
10-15 हजार से लेके 1,20,000-25,000 तक देख सकते हैं। बात करें 200 मीटर के साइज की तो यहाँ पे 1,00,000 रुपए मीटर से लेके और 1,20,000 रुपए मीटर तक आप 200 मीटर के साइज रेट जो है वो देख सकते हैं। आपने देखा कि 60 मीटर से लेके और 200 मीटर तक कोई ज्यादा रेट में फर्क नहीं है, तो हाँ क्योंकि 200 मीटर से लेके और 60 मीटर तक के रेट जो है वो मोस्टली सेम ही है, क्योंकि छोटे ही साइज हैं ये चारों साइज जो है वो छोटे ही साइज है, इसलिए रेट मोस्टली सेम है। अगर बात करें 276 मीटर की तो 276 मीटर का रेट जो है वो यहाँ पे आप 85-90 हजार रुपए मीटर से लेके 1,00,000 रुपए मीटर के आसपास तक देख सकते हैं। बात करें 350 मीटर के रेट की तो 350 मीटर का रेट जो है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा 80,000 रुपए मीटर से लेके और 95,000 रुपए मीटर आप रेट देख सकते हैं। वो डिपेंड करता है रोड के साइज पे, प्लॉट कॉर्नर है, पार्क फेसिंग है, किस तरीके से प्लॉट है, वो सब उस पर डिपेंड करता है। बात करें यहाँ पे कनेक्टिविटी की कि कनेक्टिविटी किस तरीके की है, आप देखें नियर परीचौक होने की वजह से परीचौक का भी मेट्रो स्टेशन बिल्कुल पास ही में पड़ता है और आप उससे नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन देखेंगे तो वो भी आपको अल्फा वन का ही देखने के लिए मिलेगा जो कमर्शियल मार्केट के सामने है। तो इस तरीके से लोकेशन काफी टॉप लोकेशन है एक तरीके से, क्योंकि दो दो मेट्रो स्टेशन बिल्कुल पास में है। अगर आप परीचौक आते हैं तो परीचौक भी आपको देखने के लिए मिलेगा और नेक्स्ट आपको अल्फा वन का ही खुद का अपना मेट्रो स्टेशन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो और स्कूल के लिए भी यहाँ पे प्लॉट है, जब हम गेट नंबर 2 से एंट्री करेंगे तो रोमन पब्लिक स्कूल है, उसके लिए भी यहाँ पे वो डेवलप्ड है स्कूल, स्कूल वर्किंग में है, तो पास ही में आपको स्कूल भी देखने के लिए मिलेगा। और काफी स्टूडेंट वगैरह भी यहाँ पे रहते हैं, जैसे कि नॉलेज पार्क 2, नॉलेज पार्क 3, पूरा एजुकेशन का एक तरीके से हब है। तो ये एक पास ही में सेक्टर होने की वजह से काफी भरा हुआ सेक्टर है, काफी स्टूडेंट भी यहाँ पे रहते हैं। तो इस तरीके से बाकी जैसे मैंने कंप्लीशन का आपको बताया था, तो इस तरीके से काफी कंप्लीशन भी आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे और गाड़ी वगैरह जो खड़ी हुई है उनसे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सेक्टर जो है वो मोस्टली भरा हुआ है। अगर आप वर्किंग है नोएडा या दिल्ली साइड में और आप एक अच्छी जगह पे रहना चाहते तो आप इस सेक्टर को देख सकते हैं, भरा हुआ सेक्टर है बढ़िया, तो इसमें आप जा सकते हैं। बाकी यही जानकारी इसके बारे में देनी थी, कोई और जानकारी आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे दिए हुए नंबर पे, जो नंबर आपको स्टार्टिंग में दिए गए थे उन नंबरों पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। बाकी आप देखें इस तरीके से डेवलपमेंट किस तरीके से है थोड़ा और वीडियो में। अभी आपने पूरा वीडियो देखा अल्फा वन सेक्टर का और प्राइस के बारे में जाना। अगर आप यहाँ पे प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो क्या क्या एक्स्ट्रा चार्जेज होंगे उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसा कि सर्कल रेट जो होगा वो आपका यहाँ पे 31,100 रुपए मीटर का पर स्क्वायर मीटर का आपको सर्कल रेट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अगर आप रजिस्ट्री कराते हैं प्लॉट की तो इस रेट पे आपको ये रेट देखने के लिए मिलेगा। बाकी आप इससे ज्यादा वाइड देना चाहते हैं तो वो भी देके उस पर भी आप स्टाम्प दे सकते हैं। बात करें ट्रांसफर फीस, जो पहले रजिस्ट्री से पहले आपको ट्रांसफर जो कराना होगा, ट्रांसफर फीस जो है वो आप देखेंगे तो पर स्क्वायर मीटर आपको 977 रुपए मीटर की आपको यहाँ पे ट्रांसफर फीस जो है, ट्रांसफर रेट जो है वो देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से ये खर्चे जो होंगे वो भी आपके एक्स्ट्रा लगेंगे। अगर आप कोई प्लॉट खरीदते हैं तो आपको जो प्लॉट का रेट है वो पे करना होगा और बाकी आपको और स्टाम्प जो लगेंगे वो आपका 5% का स्टाम्प यहाँ पे आपको देना होगा। तो इस तरीके से ये खर्चे और लगेंगे जो प्लॉट के रेट के बाद आपको इस तरीके से। तो यही जानकारी आज की वीडियो में देनी थी। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो किसी तरीके का आपका तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं। बाकी आप अगर हमारे ऑफिस आना चाहते हैं तो हमारे ऑफिस भी आ सकते हैं। हमारा ऑफिस आपको बिल्कुल परीचौक के पास में और आपका नॉलेज पार्क 2 का मेट्रो स्टेशन जो है उसके पास में आपको देखने के लिए मिलेगा। हमारे ऑफिस का एड्रेस है 35 ग्राउंड फ्लोर SNG प्लाजा अंसल गोल्फ लिंक 1 नियर नॉलेज पार्क 2 मेट्रो स्टेशन। तो आप हमारे ऑफिस भी आ सकते हैं। अगर आप ग्रेटर नोएडा में किसी भी तरह की प्रॉपर्टी देख रहे हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल प्लॉट है, इंडस्ट्रियल प्लॉट है या किसान कोटा आबादी के प्लॉट है, किसी भी तरह की आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो उसके लिए भी आप हमें किसी भी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दोनों नंबरों में से किसी भी नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। और एक और बात, अगर आप किसी सेक्टर की और वीडियो चाहते हैं, उसका डेवलपमेंट देखना चाहते हैं, उसके प्राइस वगैरह जानना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। हम जल्दी ही उसी सेक्टर की वीडियो आपको लेके आएंगे। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।